आपको तो पता ही है कि पुराने पृथ्वीराज यानी रजत टोकर्स को शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी, लेकिन वो अब काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। लेकिन उनके फैंस को इंतजार है उनके शूटिंग पर वापस लौटने का, और यही जानने के लिए हम पहुंचे रजत के पास। सबसे पहले आपको बधाई, आप हॉस्पिटल से लौट आए हैं घर, और सासुर साजिश में भी एक बार फिर लौट आए हैं, क्या कहें? सबको थैंक्स बोलूँगा कि सब लोगों ने मेरे लिए दुआ की, सब लोगों ने मेरे लिए प्रेस की, और उन सबकी प्रेस की वजह से आज मैं, डॉक्टर बोल रही थी कि एक डेढ़ महीना मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, और मैं 21 दिन के बाद ही हॉस्पिटल से बाहर निकल आया हूँ, तो उन सब लोगों की दुआ की वजह से सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा। ये बताइए कि फिलहाल आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि और कुछ दिनों तक आराम कर लेना चाहिए, तो डॉक्टर की सलाह को नहीं मानेंगे आप? डॉक्टर्स तो कहते रहते हैं, डॉक्टर्स का क्या है, मेरे को पहले भी बहुत चोटी लगी है, मैं शायद कुछ लोग जानते हैं कि मेरे राइट पैर पे घोड़ा गिर गया था, जो कि घोड़ा कुछ आई गेस 400-500 किलो का घोड़ा होता है। एंड मैंने उसी दिन सेम रात को 3 या 4 बजे तक शूटिंग की, तो शूट तो मैं कैर करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक हो गया हूँ। बस हाँ, ये डॉक्टर ने ये बेल्ट पहनाई है, तो काफ़ी इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, इससे मैं बैठ सकता हूँ, थोड़ा बहुत चल सकता हूँ, बट भागना और वो सब करना तो 2-3 हफ्ते के बाद ही होगा। क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? प्रिकॉशंस ऐसा कुछ नहीं, बस जितना हो सके अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखना है, कुछ ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए बैकबोन पे, और कुछ वेट नहीं उठाने हैं, और ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें बैक को ज़्यादा प्रेशर आए, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, ज़्यादा बैठना भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लेट नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है बैक के लिए। और प्रिकॉशन तो अभी है कि डॉक्टर ने मेरे को एकदम स्ट्रिक्टली मना किया है 2-3 हफ्तों तक कुछ भी करने के लिए, और डॉक्टर ने बोला है कि हो सके तो 1 महीने के बाद ही अपने जितने भी सीन्स होंगे एक्शन वैक्शन वो सब बाद में चालू करना भी कुछ नहीं। लेकिन अब आगे जाके जो अगर स्टंट सीन आएंगे तो क्या करेंगे, आप खुद करेंगे या किसी और से करवाएंगे? डेफिनेटली मैं ही करूँगा, मुझे बहुत पसंद है स्टंट सीन, अपने जितने भी एक्शन सीन करने हैं मुझे बहुत पसंद है, पर मेरा एक शायद किस्मत है क्या है, बैड लक है क्या है पता नहीं, पर कि जब भी मुझे चोट लगी है हमेशा सामने की वजह से लगी, सामने वाले की वजह से लगी है, कभी मेरी वजह से कुछ चोट नहीं लगी है। पैर मेरा टूट गया था घोड़ी की वजह से, पैर टूटा था, रिज में क्रैक आ गया था वो लाइट की वजह से आ गया था, अभी ये चोट लगी है ये भी फाइटर की वजह से लगी है। तो अपने मैं कितने बड़े बड़े स्टंट करता हूँ, शायद धर्मवीर में काफ़ी लोगों ने देखा होगा, मैंने 150 फीट का डिस्टेंस एक ही हाथ पर रस्सी से, ज़मीन से 50 फीट ऊपर, कोई हार्नेस वार्नेस कुछ नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, सिर्फ एक रस्सी लटकी हुई थी, रस्सी को अपने हाथ पे बांधा लेफ्ट हैंड पे, एंड पूरी बॉडी 60 किलो मेरा वेट है, मैंने पूरा अपनी बॉडी का वेट एक हाथ पे 150 का डिस्टेंस कवर किया, और ज़मीन नीचे जो था वो फर्श थी, कंक्रीट की फर्श थी, अगर मिट्टी विट्टी में गिरता तो भी मतलब चोट नहीं लगती, लेकिन वो था तो वहाँ मेरे को चोट नहीं लगी, क्योंकि वहाँ मैं खुद कॉन्फिडेंट था, वहाँ मुझे पता था कि नहीं लगने वाली है। महाराज आपसे एक और बात कहनी, महाराज इन 4 दिनों तक अग्नि और जय मामा हमारे रास्ते में ना आए। लंबे समय के बाद काम पर लौटना कैसा लग रहा है? जो लड़का हमेशा खेलता कूदता रहता है, आपस से चेयर पे बैठने के लिए कहो तो चेयर के ऊपर बैठता है, उल्टा सीधा करता है, उसको आप एकदम पिंजरे में बांध दो तो कितना अजीब लगता है, वैसा ही मेरे को फील हो रहा था कि मुझे कैद कर दिया गया, लेटा था मैं, हिल भी नहीं सकता था, 21 दिन तक लेटा ही हुआ था, खाना पीना कपड़े वपड़े सब बेड पे लेटे रहते, बहुत बुरी हालत हो गई थी। अभी शूटिंग पे आया हूँ तो ऐसा लग रहा जैसे पहली बार शूट करने आया हूँ, देखते हैं आज रात से शूटिंग स्टार्ट करता हूँ तो बेटर लगेगा पहले से। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके आपको कोई चोट ना लगे और आप सही सलामत रहें और लोगों की चिंता ना बढ़ाएं। नहीं नहीं, लोगों की चिंता मैं नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वो मुझे प्यार करें, मेरे लिए दुआ करें, और मेरे लिए इतनी फिक्र ना करें, क्योंकि अभी मैं यंग हूँ तो जितना जल्दी हो सकता है मैं रिकवरी हो जाती है मेरी बॉडी की, वो कहीं ऐसे ही फिक्र ना करें, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा और जल्दी जैसा पहले था वैसे ही अपने स्टैंड अपने सीन्स अपने जितनी भी हरकतें मैं उल्टी सीधी करता रहता था वो सब मैं वापस करना चालू कर दूँगा।